गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में सिविक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आज हम उस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आगे पढ़ते हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो हमने तर्क दिए थे उसके बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक का प्रयोग सरकार के अलग अलग संगठनों के लिए कैसा होता है, यानी अलग अलग संगठन किस तरह से सरकार का लोकतांत्रिक सरकार का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। जैसे परिवार में सभी के विचारों का महत्व है, वैसे ही सरकार बनाने में सभी नागरिकों का उतना ही महत्व होता है। ये मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, यानी चाहे कक्षा हो, समाज हो, परिवार हो, सबको अपने अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता हो, यानी सबको अपनी बात कहने की आजादी हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? यानी एक परिवार में मान लो मुखिया है, वो ही सारे फैसले लेता है, क्या वो लोकतांत्रिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है वो परिवार? नहीं, क्योंकि जहां पर सिर्फ मुखिया बात कहे या कोई नेता बात करे तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहला सकते हैं। अब लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो का भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी शक्तिशाली का। अब लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा थोड़ा होता है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो फैसले नहीं ले सकता, या जो बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, वही फैसले ले सकता है। नहीं, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक अपने फैसले ले सकते हैं और उसके फैसले को भी उतनी ही मान्यता मिलेगी जो एक शक्तिशाली नागरिक के फैसले को मिलती है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। परिवार में भी जितने भी सदस्य होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सदस्यों में बराबर का बल हो, यानी कि वो बराबर की शक्तिशाली हो, तो किसी अन्य संगठन पर भी यही बात लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, यानी वो परिवार में भी हो सकता है लोकतंत्र का प्रयोग, समाज में भी हो सकता है, राष्ट्र में भी, कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर हम लोकतंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जहां लोकतंत्र होगा वहां हमें पूर्ण न्याय मिलेगा। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं, यानी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग ज्यादातर सरकार के लिए होता है कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक है, लेकिन कभी कभी कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। क्या इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी? यानी जो हम लोकतंत्र का जो विस्तृत अर्थ पढ़ रहे हैं, विस्तृत स्तर पर जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वास्तविक लोकतंत्र जब आएगा जब सभी व्यक्ति क्या है, भर पेट खा पाएंगे, कोई भी गरीबी रेखा के नीचे ना रहे। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। यानी सभी नागरिकों को अगर समान अधिकार प्राप्त होंगे, उनको शिक्षा का भी अधिकार, उन्हें अपनी आत्म अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता, सूचना की उन्हें समान उपलब्धता हो और लोकतंत्र में उनकी निष्ठा भी हो, तो वो सारी समानता प्राप्त कर सकते हैं, लोकतंत्र के आदर्श को वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। अब देखिए कि लोकतंत्र के पक्ष में भी और विपक्ष में भी तर्क दिए गए, लेकिन ऐसा क्या है इस लोकतंत्र में जो हमें इसके महत्व को याद दिलाती है? इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद
मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की, हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की थी, यानी किस तरह की सरकारें हैं, चीन में कैसी सरकार है या मैक्सिको में कैसी सरकार है, फिजी में कैसी है या भारत में कैसी है, तो सरकार के बुनियादी ढांचे की और हमने यहाँ पे बात की। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह कम हो सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है, यानी आज के संदर्भ में वो सही है और हम लोकतंत्र के कई रूपों को ग्रहण भी कर सकते हैं और हर क्षेत्र पर हर स्तर पर ग्रहण कर सकते हैं। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। हमारी लोकतांत्रिक सरकार, सबको पहले पता है कि जो यहाँ प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले ले सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? यानी यहाँ पूछा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार जो फैसले लेते हैं, क्या आप उनसे अलग तरीके से फैसला ले सकते हो? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, पर फिर भी ये आदर्श लोकतंत्र है। और ये आदर्श लोकतंत्र अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता है, इसमें भी कुछ शर्तें हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए और इस लोकतंत्र को हमें पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती कि सबको लोकतांत्रिक सरकार में एक बार में ही समान अधिकार मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है, जैसे राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्य किसी पर नहीं। अब हम ये प्रश्नों की ओर चलते हैं।
आगे प्रश्न करते हैं। यह पार्ट आज कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि यहाँ देखिए, आपने विभिन्न देशों के बारे में यहाँ पढ़ा है, ठीक है। अब उन देशों में क्या क्या सूचनाएं हमें मिलती हैं, उन देशों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, ये सब हमने इस पाठ में पढ़ा है। अब यहाँ जो प्रश्न है वो कैसे करेंगे, देखें यहाँ चार देशों के बारे में जो कुछ सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण करेंगे। जो लोकतांत्रिक है उसके सामने आप लोकतांत्रिक लिखोगे, ठीक है। जो लोकतांत्रिक नहीं है उसके सामने आप अलोकतांत्रिक लिखोगे। पहला देश है यहाँ पे देश का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये किस श्रेणी में आता है, कोई बताएगा किस श्रेणी में आता है ये, कि लोकतांत्रिक श्रेणी में आता है या अलोकतांत्रिक श्रेणी में आता है, कोई बताएगा ये, कि मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानता क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको भी वोट देने का अधिकार है, तो ये क्या होगा, ये अलोकतांत्रिक होगा, ठीक है। तो आप पहले में लिखोगे अलोकतांत्रिक। अब दूसरा है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, यानी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही है, ये किस किस कैटेगरी में आएगा, ये कैसे बता सकते हो आप, ये किस कैटेगरी में आएगा, कि जो एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो आप इसको लोकतांत्रिक कहोगे या अलोकतांत्रिक, क्या कह सकते हैं आप इसको, बताइए। इसको ना तो हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं ना ही हम इसको अलोकतांत्रिक, यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि कोई भी बात के लिए पक्का नहीं है कि वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो आप फर्स्ट में लिखोगे अलोकतांत्रिक, दूसरे में लिखोगे कि पक्का नहीं है, ठीक है। अब है थर्ड, देखिए इसका, पिछले 3 चुनावों में क्या है, जो शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, पराजय का मुंह देखना पड़ा है। अब पराजय का मुंह शासक किस दल में देख सकते हैं, कि शासक कौन चुनते, लोग चुनते हैं, और पराजय जनता के अनुसार ही देखनी पड़ती है, तो इसमें आएगा लोकतांत्रिक, यानी हम इसे लोकतांत्रिक की श्रेणी में रखेंगे, ये लोकतांत्रिक होगा। फिर है फोर, जो देश है यहाँ चुनाव स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये क्या है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये अलोकतांत्रिक होगा, ठीक है। यानी जो लोकतांत्रिक है उसके सामने मैं क्या है, टिक लगा देती हूँ, और जो लोकतांत्रिक नहीं है उनके सामने रॉन्ग लगा देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 4 देश दिए हुए हैं, ठीक है, उनको उसमें भी आपको यही लेना है कि वो लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। फर्स्ट क्या है कि संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक है। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो ये क्या है, ये अलोकतांत्रिक है, ठीक है। फिर दूसरा है इसमें जो 6 वाला है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ये भी अलोकतांत्रिक है। क्या संसद जो न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, वो कर सकती है, संसद को तो ये अधिकार है, ठीक है। उसके बाद है अगला, जो देश है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है कि देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है संधि करने के लिए वो किसी और देश के नेता से राय लेंगे। और
जो इसका फोर्थ है झा वाला, देश के सारे अधिकार या आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो ये भी अलोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये जो देश है लोकतांत्रिक पक्का नहीं है, अलोकतांत्रिक इस आधार पर ये बांटे गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं, यानी कौन सा ऐसा जो तर्क है जो अच्छा नहीं मानते हो, आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो आप कौन सा तर्क अच्छा नहीं मानते हो। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ये सही है, समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। या लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। इनमें चारों में से कौन सा तर्क आपको अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं लगा, ये आप हमें बताओगे। तो आपको कौन सा तर्क अच्छा नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं देखो अगर इन्हीं तर्कों पे हम आगे चलते हैं तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, लोकतंत्र होता है जिसमें सभी नागरिक अपने आप को समान समझें, ये भी बिल्कुल सही है, तर्क बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में क्या है, टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये तर्क भी क्या है, बिल्कुल सही है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपसी टकराव है उनको अच्छी तरह से सुलझाए जाते हैं। फिर है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। क्या आपने देखा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, क्या हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में समृद्ध है? अमेरिका को ले लो या चीन को ले लो या बाकी देशों को ले लो, क्या उन देशों से अधिक समृद्ध है? तो ये जो तर्क है ये सही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश दूसरों के देश तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तर्क यह जो तर्क है ये लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार एक राजा अपनी सूझबूझ और अच्छे कार्यों से अपने देश को अनेक लोकतांत्रिक सरकारों से अधिक समृद्ध बना सकता है। यानी जहां पर तानाशाही सरकार होगी वो लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा अपने देश को समृद्ध बना सकती है, क्योंकि सारे फैसले वो खुद ही लेता है, तो वो उसका देश ज्यादा समृद्ध हो सकता है लोकतांत्रिक देश से ज्यादा। जबकि कुछ लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न राजनीतिक दल अपने लड़ाई झगड़ों के कारण अपने देश को अपने देश की जो आर्थिक दशा है उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका जो चौथा तर्क है वो सही नहीं कह सकते हम, इस तर्क को हम गलत मानते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है वो जरूरी नहीं है कि समृद्ध हो। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं हम, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक हैं, हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखें। तो एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, तो ये क्या है, ये अलोकतांत्रिक है। फिर है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी, ये क्या है, ये लोकतांत्रिक है। क्योंकि जहां चुनाव आयोग है, चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया, ये आदेश कहां होता है, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, जब हमें पता चलता है कि यह गड़बड़ हो रही है तो वहां पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जाता है। फिर है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग की है, ये भी सही है कि हमारे संविधान में लोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे जो पहला है वो अलोकतांत्रिक है, बाकी जो दोनों है वो लोकतांत्रिक है। तो पहले वाले में अलोकतांत्रिक आएगा और जो दोनों बिंदु दिए हैं वो लोकतांत्रिक हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में करेंगे अगले प्रश्न। गुड बाय एवरीवन।